आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूँ, सबसे हटके और सबसे अलग तरीका है ये, जिसके थ्रू आप कंपनी के सिस्टम से सक्सेसफुली अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट कर सकते हो चाहे रिमूव कर सकते हो। ओके सो हे गाइस, कैसे हो? मैं हूँ बलराम और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आप लोगों को फेक लोन एप्लीकेशन से कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट करने के नए तरीके के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फेक लोन एप्लीकेशन से आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेल पर से कॉन्टेक्ट लिस्ट को इम्पोर्ट करना पड़ता है, फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है कंपनी के सिस्टम से रिमूव हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि उसके एक्सेल में जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट रह ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप उसके एक्सेल से भी आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को डिलीट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट लिस्ट कहने का मतलब ये कि मतलब आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट है ना, उसका अलाव दे दिए हो अगर किसी कंपनी को, और उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के साथ अगर कोई कंपनी गलत कर रहा है, जैसे आपके रिश्तेदार को फोन कर रहा है, चाहे आपके रिलेटिव को फोन कर रहा है और बता रहा है कि आपके जो ये नाम के बंदे हैं जो पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा सेम फील होता है। तो ये एक इलीगल होती है। अगर आपको कोई लोन देता है तो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करके किसी को कहना, किसी को बताना, ये एक तरह का वायलेंस होता है। तो इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया था कि आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी भी कंपनी के सिस्टम से कैसे डिलीट कर सकते हो। उस वीडियो पे अभी फिलहाल में हमारा 80K व्यूज आया हुआ है, 80K प्लस कह सकते हो, और इन फ्यूचर कितना जाएगा वो मुझे नहीं पता। उस वीडियो में हमने फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताया था कि आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी भी कंपनी के सिस्टम से कैसे डिलीट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि मतलब आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट डिसअलाउ करके भी किसी भी कंपनी के सिस्टम से आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट को डिसेबल कर सकते हो। ओके और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नया तरीका बताने वाला हूँ, सबसे हटके और सबसे अलग तरीका है ये, जिसके थ्रू आप कंपनी के सिस्टम से सक्सेसफुली अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट डिलीट कर सकते हो चाहे रिमूव कर सकते हो। ओके इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाने के बाद आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। ओके एक्सपोर्ट नहीं, अगर आपके मोबाइल में ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है तो आप सिंपली उसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। अगर ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट है तो आप मेल पे जाके वहां से आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने फाइल में। एक्सपोर्ट करने के बाद आपका जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, उस सबको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो सबको आपको डिलीट कर देना है। मेल पे भी जितना कॉन्टेक्ट है वो सबको भी आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद उस ऐप को एक बार आपको अनइंस्टॉल कर देना है। सिंपली आपको उस ऐप को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद एक बार और आपको चेकआउट कर लेना है कि आपके मोबाइल में कोई नंबर है तो नहीं। अगर कोई नंबर नहीं है तो फिर से आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही इंस्टॉल करोगे उसके बाद ऐप फिर से आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट का अलाव मांगेगा। वहां पे आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट का अलाव दे दीजिएगा। जैसे ही आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट का अलाव दोगे तो क्या होता है वहां पे कि मतलब पहले जो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट था ना, वो पहले से ही सेव रहता है उसके सिस्टम में। अब आपके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है वो कॉन्टेक्ट लिस्ट जाके अपडेट होता है, तो पीछे वाले जितने भी कॉन्टेक्ट होता है ना वो रिमूव हो जाता है। सिंपली आप समझ सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है उसका कोई न्यू अपडेट आता है, जैसे आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है उसका कोई न्यू अपडेट आता है, और न्यू अपडेट को जैसे ही आप डाउनलोड करके अपडेट करते हो तो पुराना जितना भी अपडेट है वो डिलीट हो जाती है ना। सिंपली यही प्रोसेस उसमें भी है। जैसे ही आप जितना भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है डिलीट करके ऐप को दोबारा से रीइंस्टॉल्ड करोगे, उसके बाद दोबारा से उसमें अलाउ करोगे, तो आपका जो न्यू कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, वहां पे आपके न्यू कॉन्टेक्ट लिस्ट में तो मोबाइल नंबर है नहीं, कॉन्टेक्ट लिस्ट है नहीं, तो उसके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें कोई भी नंबर शो नहीं करेगा। उसके बाद आप दोबारा से उस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हो। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जीमेल से एक्सपोर्ट किया है फिर से उसे जीमेल पे इंपोर्ट कर देना है, और जीमेल पे इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड फोन में ऑफलाइन वर्जन में एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह के प्रोसेस से आप अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी भी फेक कंपनी के सिस्टम से बचा सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।